केविन ओवर्स ने अभी स्मैकडाउन के एपिसोड पे पिछले कितना कुछ बोला रोड्स को यही सारी बातें बताई ना कि यार जिस बंदे ने मेरा करियर खत्म करने की कोशिश की जिस बंदे के अगेंस्ट लड़ते लड़ते मैंने तेरी इतनी हेल्प की तूने उसी बंदे के साथ टीम अप किया तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई ओवर्स को रोड से इतना गुस्सा है और कैवन ओवर्स के जो और भी अच्छे दोस्त है जेन वो भी तो टीम अप कर रहे हैं उनसे ओवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो दो पेन है ना भाई तो अगर सैमी यहाँ टर्न कर जाते हो जी ब्लड लाइन पे सर्वाइवर सीरीज में तो उसका परफेक्ट सेंस बनेगा और हमें फिर ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि सैमी

टाइटल रेन में काफी कमाल कमाल के मैचेस दिए वेल well सिर्फ स्टोरी टेलिंग वाइज ही नहीं रेसलिंग वाइज भी और हम रोमन की इन रिंग परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करते हम उनके कैरेक्टर की बात करते हैं और उनकी स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं ज्यादातर बट डेफिनेटली उनकी इन रिंग परफॉर्मेंस भी अंडर है काफी नेक्स्ट थॉट टेक रविशेखर की तरफ से डब्ल्यूब्ल्यू को समझ लाए दो इवेंट नहीं बनाना चाहिए था जिससे कि मैं करूंगा यार एज ए क्रिएटर मेरा फायदा है तो मेरा तो एक ये वैलिड रीजन हो गया बट बींग भी अब जब दो नाइट्स का इवेंट डब्ल्यूब्ल्यू करवाने वाली सरवाइवर सीरीज को तो वो और भी ज्यादा एफर्ट डालेंगे उसके लिए और भी ज्यादा बढ़िया स्टॉइलाइन बुक

पीकॉक टीवी दिखाए जाएंगे लेकिन बाकी सारी इंटरनेशनली सारी कंट्रीज में और हमारे इंडिया में भी सारा का सारा ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी हूँ इस तो इसके बारे में फिलहाल मैं गुंथर विल लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन जिससे करूंगा टेक है क्योंकि जो भी टाइटल अच्छा गुंथर ने होल्ड है उसके साथ उन्होंने लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वाला रेन दिया हुआ है और इस वाली वर्ल्ड टाइटल

बताई थी जिसमें कि लास्ट में हील सुपरस्टार जीतता है ऐसा कितना रेयर होता है भाई तो जानने ये रे वीडियो आपके सामने से जल्दी क्लिक करो और देख लो एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दैट टाइम दिस इज साइनिंग आउट